जापला चैनल पे आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हो? पूरा मजा आता पूल में। बहुत बढ़िया, हमारा तो खुद मन कर रहा है कि हम भी एंजॉय कर पाए। बहुत नजारा लग रहा है, गर्मी तो राहत मिल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा बनाया है इधर, और गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि बच्चों के लिए हम भी कुछ अच्छा करें, इसलिए ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको भी आगे निकलने का मौका मिलेगा। जापला चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे हम देख रहे हैं कि तपती हुई गर्मी, और उस गर्मी में राहत की किरण जो स्विमिंग पूल यहाँ पर बन के आया हुआ है, हम देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी पूरी जौबन के ऊपर है और मज़ा जो है वो भी पूरी जौबन के ऊपर है। हम देख सकते हैं बड़ा ठंडा ठंडा बढ़िया यहाँ पर पानी है, साफ़ पानी है। सबसे बड़ी बात है आप देख सकते हो कि बिल्कुल साफ़ पानी है यहाँ पर है, और जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना वो मज़े से नहा रहा है बच्चा। और अभी हम बात करेंगे, थोड़े से उन बच्चों के साथ बात करेंगे। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है पूरा। क्या कहना चाहोगे? स्विमिंग पूल पानी भी बढ़िया है। यस, बहुत मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है। क्या कैसा लग रहा है कि दिल करता है रोज आने को? हाँ। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हो? पूरा मजा आता है पूल में। हाँ भाई, अच्छा लग रहा है, पूरा बढ़िया लग रहा है। और दिल करता है कि हम रोज आए यहाँ पर? हाँ जी। अटिकते रहते हो शाम को? यस सर। कि आएगी शाम और हम जाएंगे? यस सर। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, रोज मन करता है यहाँ पर आने का। हम देख सकते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे। माताओं के साथ बात करेंगे जिनके बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहन जी, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि स्विमिंग जो कि एक नेसेसिटी है आज के युग में, ये स्विमिंग भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब डबल तड़का लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, हमारा तो खुद मन कर रहा है कि हम भी एंजॉय कर पाए। नहीं, बहुत अच्छा है। इनके वैसे भी कोच वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, पूल भी बहुत क्लीन है, सही है। और अगर हम बात कर लें यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एम्बियंस, वो भी आपको बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा। हम देख सकते हैं कि बहुत ही खुशी की लहर है पेरेंट्स में भी जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हमारे यंग ब्लडेड जो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, यंग ब्लडेड भी, भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ये स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, आज मज़ा आ रहा है। हाँ जी, पूरा मज़ा आ रहा है ये स्विमिंग पूल का गर्मी में, और पानी भी बढ़िया है। पानी पूरा बढ़िया है, फिल्टर पानी है। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत नज़ारा लग रहा है, गर्मी तो राहत मिल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। भी खुश है पूरा, ये पूरे नज़ारे ले रहे हैं। देखो गर्मी में हम लोगों को थोड़ा राहत मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद। बहुत बढ़िया लग रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हमारी एक्सरसाइज भी साथ में हो रही है ना, बच्चे कह रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन हम लोग भी हम वो एनर्जी में आ रहे हैं ना। और क्या, बच्चों को इंजॉय मिल रहा है तो और क्या चाहिए। पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ जुड़ते हैं जो यहाँ आए हुए हैं। सर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो स्विमिंग सीख पाएंगे, और पानी भी स्वच्छ है तो बच्चों के लिए ये सफिशियंट है यहाँ सीखने के लिए। बाकी तो देख ही रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि डबल है या है? एक तो सीखते हैं बच्चे और एक एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन है पानी, और बच्चे भी बड़े भी और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि यहाँ एक एंजॉय का ये मसाला इन्होंने लाए हैं। अगर हम बात करें यहाँ की स्विमिंग पूल की तो यहाँ पूरी तरह से मज़े आ रहे हैं। अभी बच्चे और भी बहुत जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे। और बात करेंगे यहाँ के जो मेन फाउंडर हैं, सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे कि बठिंडे का आपने वो एरिया चूज़ किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकांत है, बढ़िया पानी है और स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं? ये सर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा बनाया है इधर, और गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि बच्चों के लिए हम भी कुछ अच्छा करें, इसलिए ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको भी आगे निकलने का मौका मिलेगा, प्लस में यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं, गर्मी से राहत भी मिलती है यहाँ पे आके। सर आप लोग पंजाब में पूरे में फैले हुए हो, और कहाँ कहाँ पर सेवाएँ आपकी चल रही हैं, आप लोगों को कहाँ कहाँ ये राहत दे रहे हैं? सर ये आपको बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादातर हरियाणा के अंदर ही हैं, तो हम हरियाणा से आके पंजाब में भी अपनी काम चालू कर रहे हैं। तो ये बठिंडा के अंदर जितने भी स्विमिंग पूल हैं, ये लुधियाना के अंदर है सर, पटियाला के अंदर है हमारे,
हम देख सकते हैं कि बहुत ही खुशबू इन लोगों ने पहले हरियाणा में फैलाई है, अब यहाँ फैला रहे हैं, बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, उनको एंजॉय करा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी है, अभी देर नहीं करें, अभी भी टाइम बाकी है। आइए आइए, ज्वाइन करिए स्विमिंग पूल को और अपना एंजॉय करिए और अपने बच्चों को स्विमिंग, क्योंकि आज का जो युग है उसमें स्विमिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। आप आइए इनके पास, बहुत बढ़िया कोचेज भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये सर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है स्विमिंग। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले यही कहेगा कि आप गर्मियों में स्विमिंग ज्वाइन करो। इससे क्या है कि हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है और डॉक्टर तो तकरीबन हर एक को यही सलाह देगा कि आपको वेट लूज करना तो आप स्विमिंग ज्वाइन करो और हाइट बढ़ानी है तो स्विमिंग ज्वाइन करो और गर्मी से बचना है तो है ही सर स्विमिंग पूल। स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, गर्मी से बचना है तो स्विमिंग, पेट घटाना है तो स्विमिंग, अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देनी है कि उनका फटीग, उनके बॉडी लेवल्स, उनमें एनर्जी लेवल्स बढ़िया रहें तो स्विमिंग। तो आप देर नहीं करिए, अपने बच्चों के साथ आइए, ज्वाइन करिए। और सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।